हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूँ के आटे और ताज़े मटर से बहुत ही टेस्टी सा स्नैक, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही क्विक बनता है। तो चलिए इसे बनाना कैसे है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है ग्राइंडर जार, और इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया, और लेंगे 2 हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा, और 1/3 टीस्पून जीरा। इसे हमें बिना पानी डाले ही ग्राइंड करना है, तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसे एक निकाल के छोटे से बाउल में रख लेंगे। इसी ग्राइंडर जार में हमें ऐड करना है मटर। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर दिया है, आप चाहें तो ताज़े मटर ले सकते हैं। इसे ग्राइंड कर देंगे बिना पानी डाले। तो मटर भी ग्राइंड हो चुका है, तो चलिए अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन को गर्म कर लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल। तेल हल्का गर्म हो जाए इसके बाद हम ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ मसाला। इसके बाद ऐड करेंगे सूखे मसाले, पिंच ऑफ हल्दी, 1/3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/3 टीस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार मिक्स करेंगे। और अब हम ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ मटर। मटर को हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो मटर डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हमने पका लिया है। अब ऐड करेंगे 1 उबला हुआ आलू, अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टफिंग तैयार है, इसे ठंडा होने देंगे, तब तक हम डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हम बाउल में लेंगे गेहूं का आटा, इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी अजवाइन क्रश कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मेल्टेड बटर, आप चाहे घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, और इसका मीडियम डो तैयार करना है। थोड़ा सा तेल लगा के हम इसे चिकना करके साइड में रख देते हैं। अब हमें लेना है हमारा बनाया हुआ आटा, इसे मैं किचन फ्लोर पे लूंगी। इसके 4 पार्ट करेंगे, और इसकी हम रोटी बनाएंगे। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर ऐड करूंगी। और आलू और मटर का मिक्सचर ऐड करेंगे। और इसे हम इस तरह से पैक करेंगे रोल करते हुए, और यहाँ पे हम पानी लगाएंगे। अब मैं इसे 3 भाग में कट करूंगी। इसे इस तरह से हम पैक कर लेंगे। इसी तरह से और सभी को तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने सभी को बना के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे पैन में हमें तेल को लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे बनाए हुए स्नैक को। इसे हमें लो फ्लेम पे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो स्नैक बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूंगी पेपर नैपकिन पे, और इसी तरह से और स्नैक हम तैयार कर लेंगे।
तो लीजिए, नाश्ता बनके तैयार है। हरी मटर और गेहूं के आटे से बना बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। मैंने इसे सर्व किया है तीखी हरी चटनी के साथ। गर्मा गर्म खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है, शाम के वक्त भी आप इसे बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद अंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।